गुड मॉर्निंग लखनऊ। रूपी के साथ एक नई कहानी। एक लड़का था पार्थ, रोज सुबह दौड़ने जाता था और रोज एक बूढ़ी महिला को तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं की पीछ को साफ करते देखता था। पार्थ ने एक दिन इसका कारण जानने की कोशिश की और वो महिला के पास गया। उनको बहुत प्यार से अभिवादन करते हुए बोला, मैं आपको रोज इन कछुओं की पीछ साफ करते हुए देखता हूँ, पर मैं आज तक इसका मतलब नहीं समझ पाया। महिला ने मासूम से पार्थ को देखा और जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं रोज यहाँ आती हूँ और इन बच्चों की यानी इन कछुओं की पीठ को साफ करते हुए बहुत सुख और शांति अनुभव करती हूँ, क्योंकि इनकी जो पीठ पे कवच है ना, इस पर कचरा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। गर्मी पैदा करने की क्षमता कम होते हुए ही कछुए तैर भी नहीं पाते, और जानते हो ना, बहुत ठंड आ रही है और अगर ये रोज नहीं होता रहा तो मे बी ये बहुत कमजोर हो जाएं। ये आंसर सुनकर पार्थ बहुत हैरान था और फिर उसने बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं आंटी, लेकिन एक बात तो सोचिए कि कछुए तो बहुत सारे हैं और सबकी हालत बुरी है, जबकि आप सभी के लिए ये नहीं कर सकती, तो आप अकेले दम पर इन कछुओं के में जीवन में क्या बदलाव ला सकती हैं? इतनी कड़ी मेहनत से भी क्या आप इनके लिए कुछ कर सकती हैं? महिला ने जोर से हंस के जवाब दिया, भले ही मेरे इस कर्म से दुनिया में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सोचो, इस नन्हे से कछुए की जिंदगी तो में बदलाव आएगा ही ना बेटा, तो क्यों ना हम छोटे से बदलाव से ही शुरुआत करें। पाठ को बूढ़ी महिला की बात समझ में आ गई थी, तो आप समझे क्या, छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े बड़े संकल्प पूरे किए जा सकते हैं। फिर मिलूंगी।